और नवरात्र में भी देवी की आराधना का एक स्मरण का सुख है महाराज। ज्योत का विधान है, नवरात्र में देवी की ज्योत लगती है, अखंड ज्योति लगती है, जवारे बुआए जाते हैं, कलश लगता है, ज्योत का भी विधान है। जिसके यहां दिया अखंड जलाया जाता है, अगर वो दिए की लो, दिए की बाती अगर दक्षिण दिशा की होती है तो उसके घर में साल भर में एक घात जरूर होती है। जो दिया अखंड जलता है उसकी बाती का मुख दक्षिण का नहीं होना चाहिए। अगर आपने देवी भागवत का स्मरण कराओ, देवी भागवत को अगर सुना हो तो देवी भागवत में स्पष्ट किया गया कि पूर्व की ओर मुख करा हुआ दिया, अर्थात पूर्व की ओर ज्योत जो जलाई जाती है वो संपदा की वृद्धि करती है, पश्चिम की ओर मुख कर जो ज्योत लगाई जाती है महाराज वो वैभव को देती है, और उत्तर की ओर जो मुख कर ज्योत जलाई जाती है, उत्तर की ओर जो ज्योत का मुख रहता है वो आयु की वृद्धि करती है, घर में अकाल मौत को रोकती है। अत्रे का जो भाव तत्व है उसको भी अच्छे से समझ लेना, दक्षिण की ओर ज्योत ना लगाए। अगर आपको लगाना है पूर्व की लगाए, पश्चिम की लगाए या उत्तर की लगाए। और जितने दिन महारानी जगदम्बा जगत धात्री दुर्गा भवानी अब की बार माता जी घोड़े पर आई है, हर बार देवी बदल बदल के आती है, इस बार जो नवरात्र आए वो घोड़े के आए, तो घोड़े पर जो देवी जी आती है वो समृद्धि को देने वाली आती है, लक्ष्मी की वृद्धि करने वाली आती है। जैसी घोड़े की रफ्तार होती है उस रफ्तार से लक्ष्मी घर में आती है। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे जब भी वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले मिले। ओम नमो शिवाय।